हेलो गाइस वेलकम टू टेन की पढ़ाई तो गाइस आज हम करने वाले क्लास टेन का चैप्टर नाइन पॉइंट वन का एक, एर्थ, तो एर्थ क्या है आ देखो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर रखा है पहले से ही ताकि मैं आपको बता सकूँ कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज स्टैचू वन मीटर टॉल वन पॉइंट सिक्स मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ दूस सिक्सटी डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट The angle of elevation to the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो देखो यहाँ पे एक पहले वर्ड सीख लेते हैं कि पेडेस्टल क्या होता है पेडेस्टल वो चीज होती है जिसके ऊपर मूर्ति खड़ी होती है आप जब भी देखोगे शिवाजी महाराज की देख लो तो वहाँ पे क्या होता है उनकी जो मूर्ति है उसके नीचे बहुत बड़ी एक पहले ना ईट या कुछ भी मतलब बना के रखा होता है उसके ऊपर उनकी मूर्ति होती है तो उसको ही हम पेडेस्टल कहते हैं ठीक है अब एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है वो ठीक है वो स्टैंड अब वो जो है ना वो किसी पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है अब ग्राउंड से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखे स्टैचू के, के टॉप पर तो वो सात डिग्री बनता है लेकिन अगर हम उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखे टॉप ऑफ द पेडेस्टल पे तो वो फोर्टी फाइव डिग्री बनता है तो हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालने देखो अब मैं आपको डायग्राम की मदद से सुन जाता हूँ ये पेडेस्टल है और ये हमारा स्टैचू है ठीक है ये है हमारा 1.6 मीटर लॉन्ग इसको मान लेते हैं है एच ये है हमारा एक पॉइंट ठीक है ठीक है अब देखो ये क्या बोल रहा है अगर टॉप से देखे तो 60 डिग्री बनता है लेकिन अगर बॉटम से देखे तो फोर्टी फाइव डिग्री टॉप ऑफ द मूर्ति से देखे या टॉप ऑफ बॉटम से देखे तो ये ही एंगल बनते हैं अब वो बोल रहा है एच निकालो तो एच कैसे निकाल सकते हैं हम पहले तो ये देखेंगे ठीक है और हमें कुछ किवन नहीं है तो ए बी सी और ये डी हाइट ऑफ टावर हाइट ऑफ क्या है ये अरे इसको क्या कहते हैं मूर्ति को क्या कहते हैं statue सॉरी वन पॉइंट सिक्स मीटर है लेट एच बी हाइट ऑफ पेडेस्टल ठीक है एच मान लिया अब देखते हैं इन ट्रंगल बी डी सी अब बी डी सी कौन से है जल्दी से आपको ना यही देखना कि बी डी सी ये है तो यहाँ पे क्या करेंगे डी बी और बी सी को हम ले लेंगे जो हमारा टेन के बराबर होगा ठीक है बी डी और मतलब परपेंडिकुलर और बेस टेन के बराबर फोर्टी फाइव डिग्री वन आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे एच और बी सी तो अब अब हमें इसकी मदद से हमें ये पता लग गया जो एच है और बी सी है वो क्या इक्वल है ठीक है अभी हमें हेल्प करेगा ठीक है इंटर एंगल ए बी सी देखते हैं तो ए बी जो है वो बीसी के बराबर है सॉरी ए बी जो है वो बीसी के बराबर है ठीक है जो हमारा टेन सिक्सटी के बराबर है टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री वन पॉइंट सिक्स प्लस एच और बी सी हमारा एच है ठीक है अब वन पॉइंट सिक्स प्लस एच तो ऐसे ही रहेगा और रूट थ्री एच हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स रूट थ्री एच और ये प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा ठीक है तो अब एच की वैल्यू निकालें ना अगर हम सही मायने में अगर एच की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स और रूट थ्री माइनस वन अब ये यहाँ पे देखो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक अपनाई है अब वो मैं शॉर्ट ट्रिक ने आपको साइड में लिख के बता देता हूँ यहाँ पे एक और स्टेप आना था कि हमने 1.6 और h कॉमन ले लिया तो अंदर ये बचा ठीक है अब आपको ना थोड़े जैसे बोर्ड है तो उसमें आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देनी पड़ेगी बीच बीच में कुछ स्टेप स्किप करने होंगे जो मतलब फालतू हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पर करा तो यहाँ पे h अकेला हो जाएगा और रूट थ्री माइनस वन अलग हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे करेंगे अब एच जो है वन पॉइंट सिक्स रूट थ्री माइनस वन के बराबर है तो इसको क्या करेंगे हम रैशनलाइज ये देखो पहले हम एक एक डिजिट के कर अब दो दो तो नीचे डिनोमिनेटर जो भी है ना प्लस का या माइनस का तो उसका अपोजिट वाले से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे वन पॉइंट सिक्स रूट थ्री प्लस वन और नीचे हमेशा जो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ठीक है फॉर्मूला तो ये आपका आंसर आ गया ठीक है तो हाइट ऑफ पेडिस्टल कितनी निकली हमारी जीरो पॉइंट एट रूट थ्री प्लस वन मीटर ठीक है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ना चेयर में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ तो